निर्भया केस में दोषियों की डेथ सेंटेंस की तारीख तय हो चुकी है 20 मार्च सुबह 5:30 बजे, लेकिन दोषी पक्ष के वकील डॉक्टर एपी सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस मामले को लंबित किया जाए। डॉक्टर साहब, अब आप देश की सीमा छोड़कर इंटरनेशनल कोर्ट चले गए हैं, आप ये रोज नए नए पेच कहाँ से लाते हैं? ये पेच नहीं है, ये भारत का संविधान, आपको पता नहीं देश का विश्व का सबसे बड़ा संविधान की तो बात ही भूल जाइए आप इंटरनेशनल कोर्ट चले गए। भारत के संविधान के बाद ही तो नंबर आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी है जब बीबीसी लंदन ने फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। जब फिल्म बनाई थी डॉक्यूमेंट्री तो भारत ने उस पर बैन कर दिया, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया में चली ना, देखी गई। इसका मतलब देश की मीडिया नहीं, पूरी दुनिया की मीडिया इससे संबंधित है, जुड़ी हुई है, चला रही है। तो जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, जिनके संगठन हैं, जो मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, फांसी की सजा के खिलाफ हैं, उनका कहना है, उन्होंने पिटीशन फाइल किया यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में, इस आधार पर कि आपके साथ क्यों नहीं वहां न्याय हो पा रहा है। जब पवन का जुवेनाइल डॉक्यूमेंट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, फैक्ट है, तथ्य है, सबूत है, दिल्ली पुलिस ने वेरीफाई कर चुकी है, तो क्यों नहीं कोर्ट मार रही है? ये सारी तर्क आपके दलीलें जो है लगातार लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रखे, लेकिन माने नहीं हुए। उसके बाद भी आप लगातार वही फिर तर्क देते रहे हैं। उन तथ्यों का जवाब तो नहीं दिया कोर्ट ने, ना ट्रायल कोर्ट ने, ना हाई कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना राष्ट्रपति भवन ने, उन तथ्यों का जवाब तो नहीं दिया। जब विनय और पवन की वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन जमा है ट्रायल कोर्ट में, वहां उसको ये बताइए कि आप सारे कोर्ट से क्यों नहीं मान रहे? सभी कोर्ट से आपको निराशा मिली, आप कैसे, आप मतलब आप निराशा कहां मिली? जब पटियाला हाउस कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया तो दिल्ली सरकार और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार कौन सा फैसला सैनिटाई कर दिया था डेथ वारंट, तो उसके अगेंस्ट सैटरडे संडे को हाईकोर्ट खुलवा दिया। जब संडे के बाद जजमेंट रिजर्व करके दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है, 23 तारीख उसको सुनवाई है। जब उसी सीआरपीसी के तहत हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ पिटीशन फाइल करते हैं, जब उसी आर्टिकल 226 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट हमारे क्यों नहीं मानता है? जब पवन का सिर फाड़ा गया, वो विक्टिम नहीं है, वो 308 के मुलजिम नहीं है जिन्होंने उसका सिर फाड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब पवन विक्टिम है, जब विनय विक्टिम है, जब अक्षय विक्टिम है, सीआरपीसी के दोषी भी है, दोषी भी है विक्टिम भी है। दोषी का काम उसके साथ फांसी देके कर लेना, विक्टिम वाला काम उसके साथ उसको रियायत देके कर लेना। उसे कौन सा पहले आया था? मेरिट्स किसकी पहले आई थी? केस शुरुआत कहां से हुई? जेल में था तो जेल में सिर्फ फाड़ दिया गया, उसके 14 टांके आए। गुरुद्वारा तेंग बहादुर हॉस्पिटल में आपने भर्ती कराया, गुलाब के फूल से तो टांके आए नहीं। जब जेल में टांके आए, 14 नंबर जेल में आए, तमाम तर्क माने गए कोर्ट ने, आपको सारी चीजें वहां से है, लेकिन उससे पहले 2012 की घटना की बात कर रहे हैं, जिस मामले में उमा में 8 मार्च तारीख दी। अच्छा, छोड़िए इन तमाम चीजों को, तर्कों की पहले भी बात हो चुकी है। अब ये बताइए कि आप मतलब देश की न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ गया? जो आप खुश हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, देश की न्यायपालिका से बहुत खुश हूं, ये तो बेइज्जती करवाना है आपकी, राष्ट्रपति भवन से बहुत खुश हूं, देश की न्यायपालिका से बहुत खुश हूं, लेकिन जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, एनजीओस हैं, नराईज हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल की है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने पिटीशन फाइल की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, वो गए हैं, वो कह रहे हैं उनके रहते हैं। बताइए कितने सालों से केस चल रहा है? ये केस कब से चल रहा है? 8 साल हो गए और 4 दिन पहले आप ये लोग आते हैं और इस तरह का ड्रामा कर देते हैं। तो ड्रामा, आप ड्रामा बोलते हैं इसको? 249 याचिकाएं जो राष्ट्रपति भवन में पेंडिंग, उनको क्या कहेंगे? वो क्या है 249 याचिकाएं जो राष्ट्रपति भवन में पेंडिंग है, उन्हें क्या कहेंगे? कब उनको? आप दूसरों के दोष से, दूसरों की बातों से खुद को क्यों बचाना चाहते हैं? हमें दूसरों के कानून पढ़ा के सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है, ज्यादा खाली है दूसरों के कानून, एयर मैनुअल लैंडमार्क जजमेंट हमें पढ़ाए जाते हैं। जब दूसरों के कानून पढ़ा के हमें बताया जाता है, वही हम दूसरों के कानून जब दिखाते हैं कोर्ट को, तब नहीं मानेंगे आप।
पहले हमें सिखाएंगे, फिर जब हम बोलेंगे तो नहीं, सिर्फ आप ही चिल्लाएं। निर्भय के वकील, निर्भय का परिवार कहना कुछ नहीं होने का, सिर्फ आपकी कोशिश है, पेंक रहे हैं आप। अरे साहब फंडिंग है, फंडिंग बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फंडिंग कहां से आ रही? तो फंडिंग जब हम सवाल पूछते तो फंडिंग की बात आ रही, फंडिंग की नहीं आ रही। अरे हमें क्या पता, आपको क्यों नहीं पता? आपको हम ये बताइए, पहले की स्थिति और अब की स्थिति पता ना सबको, कैसे आप नहीं कह रहे फंडिंग पता? उनका कहना है कि इससे कुछ बदलेगा नहीं, क्या एंट्रेंस में कोर्ट रोक सकते? आप ये बताइए क्या इंटरनेशनल कोर्ट पर रोक लगा सकती है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रोक सकता है इंटरनेशनल कोर्ट? मैंने उनकी तसल्ली के लिए वो चार चाहती मारना, ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, मीडिया और आपका चैनल और मनोज कुमार, यही चाहते हैं ना चार लोगों को फांसी देना। आप निजी हमले पर आ गए, हम क्यों जाएंगे? हम सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पक्ष की भी, आपके पक्ष की भी, आपको भी लगातार दिखाते हैं, आप हमें भी बुराई देते हैं, वो हमें बुराई देते हैं। हमारा मतलब है सिर्फ सच्चाई सामने जानी चाहिए। ये बताइए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के और दिल्ली के खिलाफ आप इंटरनेशनल कोर्ट चले गए, 2012 से 2019 तक 17,000 रेप केस रजिस्टर्ड हुए दिल्ली में, 17,000 रेप रजिस्टर दिल्ली में हुई, आंकड़ा बता रहा हूं मैं। क्या उनमें से किसी विक्टिम की मां का नाम पता है आपको? वो 17,000 का विषय है, यही तो दुख का विषय है कि कब रुकेगा ये? नहीं पता है, अनंत अनंत ही सिलसिला पता है, महिलाओं को नहीं पता है, मीडिया को सिर्फ निर्भया पता है, सिर्फ सिर्फ तर्कों की बात नहीं की, तर्क की बात कह रहा हूं। 17,000 केस में से इस मीडिया ऐलान में से कोई बता दो इस तरह का एक केस बताओ किस थाने में दर्ज है, दो बताओ कैसे रुकेंगे, ये किस तरह से रुकेंगे केस, कैसे रुकेंगे इस केस की सीबीआई जांच कराते आप? इससे रुक जाएंगे सीबीआई जांच? आपने रियान इंटरनेशनल मैं कराई, चाहता हूँ ये केस का जो रेप का सिलसिला है कैसे रुके, ये बच्चा सेफ कैसे हो उस देश की? जब पोन फिल्में हटाएंगे, ठीक है, पोन हटाएंगे, सनी लियोन को फाड़ के फेंकेंगे उनके पन्नों को, सीता सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया को पढ़वाएंगे, रजिया सुल्ताना के चरित्र को याद करेंगे, दोषियों को सजा ना दें, छत्रपति दोषियों को सजा ना देंगे, पोर्न फिल्में दिखाएंगे, पोर्न वेबसाइट बच्चे खोलते ही खोलते खुल जाएंगे, तब तक रेप नहीं रुकेंगे, लिख के ले। दोषियों को सजा ना मिले? दोषियों को सजा आप दे ही रहे हैं, जेल में तो है, वो 7.5 साल से जेल में है, कहां है वो? घर पे नहीं है, उनकी बहनें शादी के लिए बैठी हैं, इसीलिए हमने इच्छा मृत्यु मांगी है कि दे दो 14 लोगों इच्छा मृत्यु। आप कैसे कैसे तर्क लाते हैं, रोज नई नई चीज, कल इच्छा मृत्यु, आज आप इंटरनेशनल कोर्ट, कल कुछ और। हाँ कल कुछ और होगा, बिल्कुल भारत के संविधान के तहत होगा, भारत के आर्टिकल के तहत, राहत मिलती नजर में होगा और कल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राहत देना उनका काम है, इसीलिए तो आईसीजे पहुंचा मैटर, फिर क्यों परेशान है? राहत नहीं दे रहे तभी तो लोग देख रहे थे बाहर, मैं तो नहीं रह रहा ना कनाडा, अमेरिका, नीदरलैंड, हांगकांग, मैं तो आप नहीं है ना, मैं क्यों करवाऊंगा, मैं क्यों करवाऊंगा? मैं कह रहा हूं कि सब चीजों के पीछे एपी सिंह का दिमाग है। अरे कमाल करते हो, जो सच है तो सच है, नहीं क्या सच है? मीडिया के पीछे दिमाग है हमारा, मैं अमेरिका चला जाता हूं तो एपी सिंह के साथ, मैं अपने खास रिश्तेदार अमर सिंह जी को देखने वाला नहीं जा पा रहा हूं, बीमार है, ये इसके लिए कभी आप कहते हैं? मेरा परिवार कितना इफेक्ट कर रहा है, कभी आप सोचते हैं इस बारे में? आप देखते नहीं सोचोगे, आप आपको तो बस फंडिंग है, फंडिंग जा हो रही फंडिंग है, नहीं एपी सिंह लगातार इस मामले को खींचना चाहते हैं, बस यही एक विषय है, लगातार ये बात कही जा रही है। हमारी सीआरपीसी के तहत फाइलिंग होती है, आप देखते हैं, आर्टिकल के तहत फाइलिंग होती है, हमारे लिए भारत का संविधान, सीआरपीसी, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े संवैधानिक पद हैं। मैं यहाँ आता हूँ, राष्ट्रपति भवन के सामने निकलता हूँ, गाड़ी रुकवाता हूँ, सिर रखता हूँ राष्ट्रपति भवन की ड्योढ़ी पे, सीढ़ियों पे, और नमन करता हूँ उनको कि हे महामहिम, देश की गरिमा बनाए रखना, कभी डांवाडोल मत हो जाना, देश को जवाब देने के लिए बने रहना, ये मैं चाहता हूँ। और एक दिन आएगा, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, यही सुप्रीम कोर्ट होगा, यही राष्ट्रपति भवन होगा, एक दिन यहाँ ऐसे चीफ जस्टिस आएंगे जो इस केस को फिर से रीओपन कराएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही जिन पुलिस अधिकारियों की इस केस से संबंधित, उनकी बातें भी सुनी जाएंगी, लोगों की बात भी सुनी जाएगी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और सच्चाई। भविष्य की बात करें, सालों बाद की बात करें, कल क्या करने वाले हैं? कल भी पिटीशन फाइल होगी, तैयार हो रही है। हाँ पिटीशन फाइल होगी, फिर से क्या होता है? जो पिटीशन हमारी नहीं पड़ी वो फाइल होगी, मतलब तो इसमें क्या फिर से क्या? वो बात सच हो रही कि आप रोजाना कुछ ना कुछ नए लाए हैं, साफ कर दिया कि लगातार ये कल भी कुछ ना कुछ इस तरह का मामला लाएंगे जिसे इस केस से संबंधित होगा। देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट जाने के बाद इस केस में क्या मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट से मनोज शर्मा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।